नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के मुखिया आज से 31 अगस्त तक हड़ताल पर। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। ट्रांसफर को लेकर के पाठक का नया फरमान। औसतन 300 करोड़ की खर्च से बिहार में सुधरेगी बिजली सप्लाई। ऑयस्टर मशरूम उत्पादन में बिहार का यह जिला बना नंबर वन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के मुखिया आज से 31 अगस्त तक हड़ताल पर। आज यानी कि 16 अगस्त से बिहार मुखिया महासंघ के नेतृत्व में राज्य भर की मुखिया 31 अगस्त तक अपने वेतन भत्ते में बढ़ोतरी, सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर अपने सरकारी कार्य का बहिष्कार करते हुए राज्य की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि इस हड़ताल के अंतर्गत 22 अगस्त को प्रखंड स्तर तो वहीं 29 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस हड़ताल के संबंध में मुखिया का कहना है कि अगर इस हड़ताल के बाद भी सरकार की ओर से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचायतों की मांग है कि पंचायत जनप्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी हो, केंद्र सरकार 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली राशि मुहैया कराए, मुखिया की सुरक्षा की गारंटी मिले, उन्हें हथियार का लाइसेंस दिया जाए, अपराधी घटनाओं में जनप्रतिनिधियों की मौत पर आश्रितों को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए दे, मनरेगा में पंचायतों को भुगतान का अधिकार वापस मिले और नल जल योजना का संचालन PHED की जगह पंचायतों को दिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 5वां पुण्यतिथि है। ऐसे में आज उन्हें कई दिग्गजों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 5वीं पुण्यतिथि पर नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट कर कहा गया है कि मैं भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर उल्लेखनीय अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके नेतृत्व में भारत को बहुत लाभ हुआ। उन्होंने हमारे देश की प्रगति को बढ़ावा देने और कई क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चंद्रयान 3 ने फिर बदली ऑर्बिट, कल का दिन होगा बेहद खास। आज यानी कि 16 अगस्त को चंद्रयान 3 ने अपनी ऑर्बिट को चौथी बार बदला। बता दें कि इस बारे में इसरो के द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि आज की सफल फायरिंग, जो थोड़े समय के लिए आवश्यक थी, ने चंद्रयान 3 को अपनी मंशा के अनुरूप 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही चंद्रयान युद्धाभ्यास पूरा हो जाता है। अब तैयारियों का समय आ गया है, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार हो रहे हैं। लैडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने की योजना 17 अगस्त 2023 को बनाई गई है। बता दें कि 17 अगस्त के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। ट्रांसफर को लेकर के पाठक का नया फरमान। इन दिनों बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा पिछले 3 महीने से 100 से ज्यादा फरमान जारी कर दिए गए हैं। वहीं अब इसी कड़ी में इन्होंने एक और निर्णय ले लिया है, जो कि ट्रांसफर से जुड़ा है। दरअसल अब के पाठक की ओर से निर्णय लिया गया है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में जो पदाधिकारी और कर्मी 3 वर्ष या इससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, उनको जिला में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मालूम हो कि इस बारे में अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा BEP के राज्य परियोजना निदेशक और निगम के प्रबंधन निदेशक को जानकारी दे दी गई है। RTPS रैंकिंग में खगड़िया नंबर वन। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई RTPS रैंकिंग के अनुसार जनवरी, फरवरी 2023 और मार्च 2023 के बाद एक बार फिर खगड़िया जिला 89.77 अंक के साथ जुलाई माह के RTPS रैंकिंग में अव्वल आया है। वहीं इस रैंकिंग में सुपौल को दूसरा व समस्तीपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जिला IT प्रबंधक बम कुमार ने बताया कि जुलाई माह में कुल 1,291 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 99,855 आवेदनों का निष्पादन समय सीमा के अंदर कर दिया गया, जो कि कुल आवेदन का 99.57% है। खगड़िया को पहला स्थान मिलना एक उपलब्धि है। औसतन 300 करोड़ की खर्च से बिहार में सुधरेगी बिजली सप्लाई।
बिहार में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने और गुणवत्तापूर्ण बिजली देने के लिए कंपनी की ओर से हर अंचल में औसतन 300 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी। बता दें कि पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना के तहत अगले 2 वर्षों के दौरान सूबे की बिजली आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 11 बिजली आपूर्ति अंचलों पर 3574 करोड़ रुपए, तो वहीं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 9 अंचलों पर 3607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मालूम हो कि बिजली आपूर्ति कंपनियों के द्वारा संबंधित एजेंसियों को निविदा आवंटित करते हुए कार्य शुरू कर दिया गया है। झारखंड में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा भोजपुर। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा जिला के टोटा थाना के तुम्बा जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के रंडाडी गांव के निवासी जवान गौतम कुमार शहीद हो गए थे। ऐसे में अब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर ले आया गया है। बता दें कि उनका पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गाँव पहुँचा उनके परिवार जनों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। इस दौरान शहीद जवान के घर पर शाहपुर विधायक राहुल तिवारी सहित हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पूरा इलाका भारत माता की जयकारे से गूंज गया। वहीं जवान के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा ग्रामीणों के द्वारा तिरंगे के साथ निकाली गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मुठभेड़ में एसटीएफ के एक दरोगा अमित कुमार और एक हवलदार गौतम कुमार शहीद हुए थे। नेपाल की बारिश से बिहार की नदियां उफान पर। बिहार में नेपाल में हो रही बारिश से बिहार की कई नदियों में उफान की स्थिति बन गई है। एक तरफ जहां कोसी और गंडक में उफान देखा जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर कोसी, सीमांचल और गोपालगंज में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। वहीं दूसरी तरफ गंगा, कोसी व बरंडी नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। पिछले दिनों कोसी बराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से सहरसा मानसी रेलखंड के बीच कोसी और बागमती नदी तेज उफान पर है। इसकी वजह से रेलवे ट्रैक के पास कटाव की भी स्थिति बन रही है। गंडक के जलस्तर में हुई वृद्धि की वजह से गोपालगंज के निचले इलाके के 43 गांव बाढ़ से घिर चुके हैं। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी में भी उफान होने के कारण गंडक नदी का पानी स्टोर होने लगा है। अल्पेश यादव को लेकर मनीषा रानी ने कहा ये। बिग बॉस ओटीटी 2 में अपनी चाल ढाल से लोगों को दीवाना बनाने वाली बिहार के मुंगेर की बेटी मनीषा रानी शो के टॉप 3 में रही। वहीं टॉप 3 में उनके साथ उनके ही दोस्त अभिषेक मल्हान और अल्पेश यादव रहे, जिसमें शो के विजेता अल्पेश यादव तो वहीं पहले रनर अप अभिषेक मल्हान और दूसरे रनर अप हमारी बिहार की बेटी मनीषा रानी रही। वहीं अब इन सबके बाद मनीषा रानी के द्वारा अपने बिग बॉस का एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। इस दौरान उन्होंने अल्पेश से जुड़ा एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अल्पेश की पहले से कोई सेटिंग है, अगर वो सिंगल रहता और प्रपोज करता तो सोच लेती। मनीषा रानी ने अल्पेश को लेकर कहा कि लड़का ठीक है, जब वह किसी के साथ है तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान नहीं देना है। एस्टर मशरूम उत्पादन में बिहार का यह जिला बना नंबर 1। बिहार का नालंदा महिला किसानों की बड़ी भूमिका के कारण एस्टर मशरूम उत्पादन में पहले पायदान पर आ खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अब कई किसान ऐसे भी हैं जो बटन मशरूम उत्पादन में भी रुचि दिखा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंडी प्रखंड के अनंतपुर बिहार का पहला गांव है, जहां सालों भर एस्टर का उत्पादन किया जाता है। किसानों की माने तो सीजन यानी अक्टूबर से अप्रैल तक रोज जिले में करीब 1000 किलो एस्टर मशरूम का उत्पादन होता है। अमूमन जिले के हर गाँव के 10 से 12 किसान इसकी खेती से जुड़े हैं। सिलाव के सारेल चक के तो हर घर की महिलाएं मशरूम उत्पादन करती है, लोग इस मशरूम गांव के रूप में जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नालंदा में तैयार की गई मशरूम की मांग बिहार की राजधानी पटना में भी है। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद SHO नंद किशोर यादव। आज यानी कि 16 अगस्त को बिहार के समस्तीपुर में, 14 अगस्त को पशु तस्करों की गोली के शिकार हुए शहीद SHO नंद किशोर यादव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उन्हें मुखाग्नि उनके बड़े भाई के द्वारा दी गई। बता दें कि शहीद को पैतृक निवास से नम आंखों के साथ विदाई दी गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ में नंद किशोर यादव को बदमाशों के द्वारा चेहरे पर गोली मारी गई थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर स्थिति में दलसिंहसराय अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को नाजुक देखकर उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन पटना में इलाज के दौरान 15 अगस्त को उनकी मौत हो गई। वहीं मोहनपुर ओपी पुलिस थाना में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। बीजेपी नेताओं का सीएम नीतीश पर हमला। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। ऐसे में आज बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा, सुशील मोदी समेत बिहार भाजपा के तमाम नेताओं के द्वारा राजधानी पटना के अटल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेताओं के द्वारा सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार के ऊपर अटल जी का काफी आशीर्वाद था। नीतीश कुमार को अटल
बिहारी वाजपेयी जी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार जी की अपनी राजनीति है, यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी की श्रद्धा अटल जी के प्रति हमेशा रही है। वैसे भी नीतीश कुमार जी भाजपा के कंधे पर चढ़कर ही पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, भाजपा का ही देन है, कितने साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए अटल जी के प्रति उनकी श्रद्धा होनी भी चाहिए। 2025 में नीतीश जी खुद रिटायर्ड हो जाएंगे, 2024 में नीतीश जी तो आ ही रहे हैं, यह कंफर्म है। इसके अलावा बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा कहा गया कि आज नीतीश कुमार जो कुछ भी हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का विशेष योगदान है। अटल जी ने ही उनको रेल मंत्री बनाया था। उन्होंने कहा कि अटल जी के प्रधानमंत्री पद की जब घोषणा की गई थी तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही विरोध किया था। आज वह अटल जी के सबसे बड़े समर्थक बने फिर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर कसा तंज। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश और तेजस्वी यादव के विकास के दावों की पोल खोलते हुए समाज के लोगों से अपील की कि नेताओं से आप कोई अपेक्षा न करें। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं, तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें। समाज अगर पिछड़ा रहेगा तभी न जाकर नौवीं पास आदमी को लोग अपना नेता मानेंगे। बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया तो लोगों को लगता है कि वह जमीनी नेता है, भले उसको भाषा और विषय का ज्ञान ना हो। कोई पढ़ा लिखा आ जाए तो हम और आप बहुत बात करते हैं कि बिहार में नहीं चलेगा। आज देश में भ्रष्टाचार कहां नहीं है, नेता कहां झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसके बावजूद आज बिहार जैसी भयावह स्थिति देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। क्या कोई तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों से बिहार में आकर मजदूरी कर रहा है, मगर बिहार के लोग जानवरों की तरह ट्रेन में लद कर भेड़ बकरी की तरह मजदूरी करने जा रहे हैं। आपने कभी नीतीश कुमार को किसी फैक्ट्री बनाने को लेकर चर्चा करते सुना? नीतीश कुमार के लिए आज चर्चा का विषय क्या है? उनके लिए आज चर्चा का विषय है कि धरती की नाश होने वाला है। मोबाइल का उपयोग करने से लोग पागल हो रहे हैं, क्या यही नीतीश कुमार का काम है? नीतीश कुमार क्या साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक हैं? नीतीश कुमार को अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि उन पर उम्र का असर हो गया है। विराट कोहली ने खुद से जुड़ी एक और खबर को बताया फेक। कुछ दिनों पहले ही स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के द्वारा खुद से जुड़ी एक खबर को फेक बताते हुए कहा गया था कि वह एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 11.45 करोड़ रुपए नहीं लेते। वहीं अब एक बार फिर से उन्होंने एक खबर को फेक बताया है। दरअसल इस बार एक अंग्रेजी अखबार ने खबर में दावा किया है कि कोहली अपने अलीबाग फार्म हाउस में एक क्रिकेट पिच बनाने की योजना बना रहे हैं, जिस पर विराट कोहली के द्वारा अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कहानी पर एक बयान के साथ दावों को खंडन करते हुए कहा गया है कि बचपन से जो अखबार पढ़ा है वो भी फर्जी खबरें छाप लगे। अब वहीं विराट कोहली के इस रिएक्शन पर उनसे जुड़े मीम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 94.51 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल कीमत 108.71 रुपए और डीजल कीमत 95.39 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल कीमत 108.08 रुपए और डीजल कीमत 94.80 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.61 रुपए और डीजल कीमत 95.31 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.99 रुपए प्रति लीटर कीमत है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, उमेश सिसदेव, कमलेश शर्मा, धनंजय कुमार, नन्नो गोलू कुमार, मोहम्मद फहीम, सदुल्लाह पलवी, हलीश्वर कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, संजीत कुमार, सुमन, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति की क्या स्थिति है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।